डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 6.2 10 सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम। आपको यहाँ पर फ्रैक्शन निकालना है 4 to 10। अगर आवर हैंड 4 से 10 जाती है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। समझने के लिए आप वॉच में देख सकते हैं, आपकी मिनट हैंड 4 से 10 जाती है। सो 4 से जा रही थी, काउंट करेंगे आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6। सो आंसर विल बी 6 और टोटल होता है 12। तो 6/12 इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 to 5, अगर आवर हैंड 2 से 5 जाती है तो फ्रैक्शन क्या होगा। आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर 2 to 5, तो कितना जाएगा 1 2 3, टोटल 3 हो गया और पूरे कितने हैं 12। सो 3/12 इज इक्वल टू 1/4। दस रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट 10 एंड मेक हाफ। तो हाफ मतलब कि आपको 6 पॉइंट आगे बढ़ना है। सेकेंड में 1.4 मीन्स आपको 3 पॉइंट आगे बढ़ना है। एंड 3/4 मीन्स 9 पॉइंट आपको आगे बढ़ना है। सो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 से शुरू होती है और जाती है हाफ। यू कैन सी इन वॉच 10 से जाएगी और जाएगा कहाँ तक, 6 पॉइंट तक। सो 1 2 3 4 5 6, सो कहाँ पर स्टॉप होगा 4 पे। योर सॉल्यूशन इज हियर 10 + 6 = 16, लेकिन घड़ी में 16 नहीं बजते हैं, 12 ही बजता है। सो 60 में से 12 माइनस कर देंगे तो आपको क्या आएगा 4। वैसे ही सेकेंड पार्ट स्टार्ट एट 4 एंड मेक 1/4। 1/4 मीन्स आपको 3 पॉइंट आगे बढ़ना है, तो 4 + 3 = 7, 7 o'clock, 7 रुपये का। थर्ड नंबर में मैंने बताया था कि आपको 9 पॉइंट आगे बढ़ना है, 4 से शुरू हुआ है। सो डू योर सेल्फ, ट्राई टू सॉल्व नाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम। पॉइंट नंबर फर्स्ट 6 एंड टर्न थ्रो 1 right angle। 1 right angle मीन्स 3 पॉइंट, 2 right angle मीन्स 6 पॉइंट, 3 right angle मीन्स 9 पॉइंट एंड 4 right angle मीन्स 12 पॉइंट, मीन्स 1 complete रेवोल्यूशन। योर सॉल्यूशन इज हेयर 6 से स्टार्ट हुआ था और 1 right angle मीन्स 3 पॉइंट आपको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 9 o'clock। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 8 से स्टार्ट हुआ है और 2 right angle है, 2 right angle मीन्स 3 and 3, टोटल 6, 8 + 6 = 14, तो 14 तो बचता नहीं है घड़ी में, इसलिए हम इसको 12 माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा 2 o'clock। सो क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो डू योर सेल्फ, टर्न्स 3 right angle मीन्स आपको यहाँ पर 9 पॉइंट आगे जाएगा, 19 हो जाएगा और 19 में से माइनस करेंगे 12। अगेन फोर्थ नंबर 7 एंड टर्न्स थ्रो 2 straight angle, 7 से शुरू हुआ और 2 straight angle मीन्स यू कैन सी सॉल्यूशन, 2 straight angle मीन्स 6 and 6, 1 straight angle मीन्स 180 degree इज इक्वल टू 0.6 एंड 6 12 एंड नाउ 19, 90 में से माइनस किया 12 इज इक्वल टू 7 o'clock। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग। पॉइंट नंबर फर्स्ट नॉर्थ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस वेस्ट। आपको यहाँ निकालना है फ्रैक्शन, आप नॉर्थ की ओर खड़े हैं और क्लॉक वाइज आना है कहाँ पर, वेस्ट तक।
सो वंस अंडरस्टैंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड व्हाट इज क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, यू कैन सी हेयर एक मैंने मैप बनाया है। तो मैप में जो सबसे ऊपर होता है सो क्या बोलेंगे नॉर्थ, और उससे क्या होगा नीचे साउथ, और जिधर आपका राइट हैंड है उधर क्या होता है ईस्ट, और जिधर वेस्ट है जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उसको क्या होता है वेस्ट। आप देख सकते हैं ये घड़ी है जो सेकेंड हैंड मूव कर रही है, मीन्स ऐसे, दिस इज कॉल्ड क्लॉक वाइज, मतलब कि नॉर्थ से कहाँ पर आ रही है ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट जो घड़ी जैसे चल रही है ऐसे, इसको बोला जाता है क्लॉक वाइज। अगर हम इसी को अपोजिट कर दें मीन्स ऐसे नॉर्थ से वेस्ट की ओर अगर नीडल ऐसे आ रही है, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉक वाइज। ऐसे मीन्स 12 से 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्लॉक वाइज, और 12 से अगर पीछे जा रहे हैं 11, 10, 9, 8 दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉक वाइज। सो लेट अस सी योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नॉर्थ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस वेस्ट। आप नॉर्थ में हैं मतलब कि आप यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं नॉर्थ की ओर, और वो कहाँ आना है वेस्ट में, कैसे आना है तो क्लॉक वाइज, तो यहाँ से आप ऐसे आएंगे ऐसे, मीन्स 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, टोटल कितना है 4, और आपने कवर किया है 3, सो राइट आंसर विल बी 3/4। नंबर ऑफ राइट एंगल कितना हो गया, देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, सो नंबर ऑफ राइट एंगल 3। सेकेंड पॉइंट, साउथ एंड टर्न एंटी क्लॉक वाइज। आप साउथ में हैं और एंटी क्लॉक वाइज मूव करना है, कहाँ आने के लिए ईस्ट आने के, मतलब आप यहाँ खड़े हैं इधर की ओर देख रहे हैं साउथ की ओर, और कहाँ आना है ईस्ट में, कैसे आना है एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज आना है तो आप ऐसे जाएंगे, अगर ये होता है क्लॉक वाइज तो आप ये ऐसे आते हैं। सो एंटी क्लॉक वाइज मीन्स साउथ टू ईस्ट हेयर 1/4, क्योंकि 1 पार्टी कवर हो रहा है और टोटल है 4, सो आंसर विल बी 1/4, और राइट एंगल कितना बन रहा है 1। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज था इसलिए मैंने इधर से ऐसे किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईस्ट, आप ईस्ट की ओर हैं, टर्न क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज टू फेस वेस्ट। आप ईस्ट की ओर हैं ऐसे इधर देख रहे हैं और आना है वेस्ट में, आप ऐसे है ना इधर देख रहे हैं, तो इधर देखने के लिए आपको ऐसे आना पड़ेगा, आप क्लॉक वाइज आइए या एंटी क्लॉक वाइज आइए, एंगल उतना ही बनेगा, फ्रैक्शन उतना ही होंगे, सो आंसर विल बी 1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर यू कैन सी 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, 2 पार्ट कवर हुआ और टोटल कितना है 4, ऊपर क्या होगा 2, नीचे होगा 4, तो 2/4 इसको हम कट कर देंगे तो क्या आएगा 1/2, सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैचिंग करना है, आप एस एम क्यू से इसको मिलान करके और प्रिपेयर कर लेंगे दिस पार्ट, यू कैन डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासीफाई द एंगल हुज मेजर्स आर गिवन बिलो। आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या स्ट्रेट एंगल। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, अगर वैल्यू 90 से कम होगा, 90 से कम होगा तो एक्यूट, एग्जैक्ट 90 होगा तो राइट राइट एंगल, और मोर देन 90 होगा तो ऑब्टूज एंगल, एंड एग्जैक्ट 180 होगा तो स्ट्रेट एंगल, एंड मोर देन 180 होगा तो रिफ्लेक्स एंगल। फर्स्ट क्या है एक्यूट, दिस क्या होगा ऑब्टूज, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, आपको डी की हेल्प से एंगल मेजर करना है और बताना है कि कौन सा एंगल के टाइप्स क्या हैं, एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा। तो बारी बारी से डी से आप नापिए, मेजर कीजिए एंगल वैल्यू और उनका टाइप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट मैंने इसे बता दिया है और ऐसे आपको सेम करने हैं मेजर करके। क्वेश्चन नंबर 8, यूज योर प्रोटेक्टर टू मेजर ईच ऑफ द एंगल मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स।
सो दिस पास ऑल्सो डू योर सेल्फ टेक प्रोटेक्टर एंड मीजर द एंगल ऑफ गिवन हेयर दिस पार्ट. 9 नंबर ऑल्सो यूज योर प्रोटेक्टर टू मीजर द रिफ्लेक्स एंगल मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर. आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल कैसे आएगा. इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप जो इनसाइड जो छोटा वाला एंगल है उसको मीजर करेंगे राइट. छोटे वाले एंगल को पहले निकाल लेंगे एंड रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में से जो अंदर का एंगल है उसको आप माइनस कर देंगे. मीन्स इसका नाम दे दीजिए ए बी सी. यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू जो आपका रहा 40 डिग्री. नेक्स्ट लाइन करेंगे रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस दिस वन. क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक एंड ईच फिगर. आपको निकालना है एंगल वैल्यू. सो यू कैन सी इन वॉच टोटल एंगल होता है कितना 360 डिग्री और 12 पार्ट होते हैं. इसलिए मैंने 360 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आया 30 डिग्री. मतलब कि अगर वो 12 से 1 पे अगर 1 तक 1 पॉइंट क्रॉस करता है इसका मतलब एंगल बनेगा 30 डिग्री. मैंने पहले ही निकाल लिया है. इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 टू 12 है. मीन्स 1 एंड 2 टू पॉइंट हैं और 1 पॉइंट में कितने होते हैं 30 डिग्री. सो आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सेकेंड पार्ट में 1 पॉइंट है 12 टू 1 इसका आंसर क्या होगा 30 डिग्री जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशन में भेजा है. एंड थर्ड पार्ट 1 2 3 4 5 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150 जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है. आप वीडियो को रोक करके समझ सकते हैं ठीक से. क्वेश्चन नंबर 11 राइट द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल फाउंड बाय आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 7 क्लॉक अदर आल्सो टाइप ऑफ एंगल. इन वॉच यू कैन सी 7 बज रहे हैं 7 बज रहा है जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगल. सो 7 से 12 तक कितने पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 और 1 पॉइंट में कितना मैंने बताया था 30 डिग्री. तो 30 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू 150. ये जो अंदर का एंगल होगा दिस साइड का ये कितना होगा 150. आप निकाल लीजिए रिफ्लेक्स एंगल भी. तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से 150 माइनस कर देंगे आपको निकल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. और क्या लिखना है टाइप्स ऑफ एंगल है ना. आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं टाइप्स क्या होगा 150 क्या है वो एक्यूट नहीं होगा ये क्या होगा ऑब्टूज. इसको आप कट करके ऑब्टूज कर लेंगे ऑब्टूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो 360 माइनस 150 क्या आएगा 210 ऐसे. क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको खुद से करना है. आपके बॉक्स में ज्योमेट्री बॉक्स में 2 दिया होगा सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर किसको बोलते हैं तो जो ज्योमेट्री बॉक्स में ट्रेंगल शेप में होंगे दैट इज कॉल्ड सेट स्क्वायर. उसको आप ड्रा कर लीजिए कॉपी में और एंगल माप करके उसकी वैल्यू लिखिए. उसमें एंगल कॉमन कौन कौन से हैं फाइंड आउट बोथ एंगल. दस योर चैप्टर 6.2 फिनिश नाउ. इफ एनीवन यू आर गेटिंग प्रॉब्लम यू कैन वॉच द वीडियो 2 times, 3 times. Thank you. Have a nice day.